सो गाइस आपने बे सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं बीएमआर। और भाई यार आज हम लोग करने वाले हैं सुलुस स्क्वाड का गेम प्ले और हमारा एम रहेगा कि हम लोग निकाले चिकन डिनर। सो बहुत टाइम बाद एक बैटल रॉयल गेम खेलेंगे। तो चलो भाई हम लोग सबसे पहले टीडीएम मैच लगाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे सुलुस स्क्वाड की गेम प्ले में। चलो यार गेम स्टार्ट करते हैं। इतने किल निकालेंगे कि भाई एमवीपी हम लोग ही बनने वाले हैं। चलो भैया जल्दी से, चलो भैया अब जल्दी से मारते हैं। तो देखो ये वाले गेम प्ले में बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर भाई अभी मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर ग्रेनेड करता हूँ मैं। और यहाँ पर भैया एक साइड से बंदा आ जाएगा, तो देखना भैया उसको कैसे मारते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बंदे को मारने के बाद मैं निकल जाता हूँ यहाँ पर राइट साइड की तरफ, और देखना वहां पर एक और बंदा मिल जाता है। ये बेटा हमारे सामने कैंप कर रहा था, इसको ठिल दिया। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं और यहाँ पर एक और बंदा आएगा और सांप बन जाएगा, देखना उसको कैसे मारेंगे। यहाँ पर मैंने इसको तो मार दिया था हेडशॉट, पर अब भैया सामने से बंदा आता है और उसके बाद देखना भैया गलत सीन हो जाते हैं। पीक दे के मारने की नाकाम कोशिश, पर कोई बात नहीं भैया अभी हम लोग और फील करेंगे। चलो भैया यहाँ पर जाते हैं सामने और इतना गंदा मारूंगा ना इस बार कि खड़े नहीं हो पाएंगे। अब सामने चल रहा होता है फायर, यहाँ पर एक बंदे को मैं डैमेज देता हूँ हल्का सा, पर इसको टीममेट निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पर ये बंदा आ जाता है, इसको पता चल जाता है, और यहाँ पर मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ पर मैं ढिल जाता हूँ। यहाँ पर सेंटर में एनिमी की फाइट चल रही थी, मैं सेंटर में घुस जाता हूँ और यहाँ पर दो बंदे मुझे फ्री के मिल जाते हैं। ये एक गया बंदा और वहाँ पर दूसरा आ गया, उसको बस एक गोली का रहता है वो। अब यहाँ पर तीसरा बंदा आता है, इसको भी निकाल लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं वेट करता हूँ, उसके बाद देखना भैया और मारते हैं बंदे को। भाई तुम लोग मेरी एचपी देख सकते हो। अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर रिलोड करेंगे आराम से, उसके बाद बंदों को ऐसा मारेंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। यहाँ पर देखो सामने में एक बंदा है, अब देखना उसको कैसे मारूंगा मैं। वो कंटेनर में घुस जाता है, उसके बाद भी इतना गंदा मारूंगा याद रखेगा वो। चलो भैया अब इसको मारने के बाद मैं आगे जा रहता हूँ, यहाँ पर मुझे पीछे से फायर पड़ता है, मैं ठिल जाता हूँ। अब यहाँ पर ठिलने के बाद मैं पूरे गुस्से में आगे जाता हूँ, देखना भैया कितना गंदा मारूंगा। तुम बस देखो यार अब गेम प्ले। अब बंदों को मारने के बाद यहाँ पर मैं वेट करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे पता था यहाँ पर एक ना एक बंदा जरूर आएगा। और देखो भैया वहाँ पर जाता है पर मैं उसको छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरे को फुटस्टेप आ गए थे एक बंदे के, और यहाँ पर इसको ले लेता हूँ मैं। अब वहाँ पर एक बंदा था, उसको भी लेने का प्लान था पर वो बच जाता है। यहाँ पर मैं फ्लैश बैंग कर देता हूँ और वहाँ से एक बंदा भी आ रहा होता है, पर अब वो यहाँ पर आएगा साइड से। और देखो भैया उसको हल्का सा डैमेज देता हूँ मैं, वो अंदर भाग जाता है। और यहाँ पर उसको मारने के चक्कर में देखो भैया कितने गलत सीन हो गए। भैया मेरा प्रिडिक्शन हो जाता है गलत, पर भाई अच्छा हुआ मेरे पास मैं वो बची हुई थी तो मैंने उसको ठिल दिया। अब यहाँ पर भैया और बंदे आएंगे और पेला जाएंगे उन लोगों को, तुम बस देखो आगे। अब यहाँ से चालू हो जाता है भैया मेरा अंधारस गेम प्ले। अब देखो यहाँ पर मैं बेस में घुस गया हूँ, वहाँ पर एक बंदा मिलता है, उसको मार दिया मैंने। अब यहाँ से मैं आगे निकल जाता हूँ, यहाँ पर स्लाइड करने का अलग ही मजा आता है मेरे को। अब यहाँ पर और बंदे आ जाते हैं और यहाँ से एक बंदा आया, उसको मैंने डैमेज दिया। अब इधर साइड से घुसता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा, उसको यहाँ से दे दिया मैंने। ओके अब यहाँ पर मेरी पांच की स्ट्रीक बन गई थी। अब और मारेंगे बंदों को, यहाँ पर और सामने से फुटस्टेप आ रहे थे, मैं रिलोड करने का वेट कर रहा था पर इसको देता हूँ मैं, पर ये बच जाता है। अब यहाँ से साइड से जाता हूँ मैं और ये बंदा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जाएंगे इसको स्लाइड करके ऐसा मारूंगा। तुम देखो यहाँ पर स्लाइड करके इसको दो तीन गोली पड़ी और भैया क्या मारा हूँ मैंने। अब यहाँ पर मैं सामने निकल जाता हूँ और यहाँ पर हील करने लगता हूँ मैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर और पीछे आने के बाद यहाँ पर और बंदे आएंगे, अब देखना भैया बहुत गलत सीन होने वाले आगे। उसको मारने के चक्कर में मैं ठिल जाता हूँ। अब भैया लगभग मैंने सारे बंदों को मारा था, अब यहाँ पर हम लोग गेम जीत जाते हैं। अब भाई डायरेक्ट चलते हैं अभी हम लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड के गेम प्ले में, लेट्स गो। तो चलो भैया यहाँ पर अभी मैं प्लेन में आ चुका हूँ, यहाँ पर हमारा मन है ये इवेंट वाली जगह पे उतरने का, वहाँ पर उतरेंगे और वहाँ पर बंदों को मारेंगे। भाई यहाँ पर मेरा पूरा उतरने का मन था पर अब भैया देखो मैं थोड़ा जल्दी उतर गया, और यहाँ पर देखो भैया अब जगह नहीं मिल रही है जाने की, मेरे को नहीं लगता हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और भैया क्या ही जगह लग रही है यार, ऐसा लग रहा है एलियन का कुछ तो है ये, पर भैया यहाँ पर हम नहीं जा पाएंगे, मेरे को समझ में आ गया था पहले से ही। तो अब हम लोग यहाँ पर उतर जाते हैं नीचे में, ये पता नहीं कौन सी जगह है, पर चलो भैया यहाँ पर लूट करेंगे, यहाँ पर भी एक दो बॉटों को मारेंगे। ऊपर यहाँ पर मैं देख ही रहा होता हूँ और यहाँ पर बॉट फायर आ जाता है मेरे को। अब यहाँ पर ये बॉट को इतना गंदा मारूंगा, बॉट को गंदा ही तो मारेंगे यार, कैसे सही थोड़ी ना खेलेगा बॉट।
ओके अब यहाँ पर देखते हैं भैया बॉट मेरे से तगड़ी लूट लेके घूम रहा है, तो बॉट का फायदा हो गया, अब यहाँ से मैं लूट लेता हूँ बॉट को और यहाँ पर अच्छी खासी गन मिल जाती है मुझे। अब यहाँ पर भाई मैंने यहाँ पर ठीक ठाक लूट कर लिया हूँ, अब भाई मेरा मन है कि मैं मिल्टा पावर के अंदर मैं घुसूँ डायरेक्ट और वहाँ पर देखते भैया कुछ ट्रेजर वेजर मिलता है या नहीं। तो गाइस यहाँ से पूरी लूट कर लिया मैंने, अब यहाँ पर मेरा मन है मिल्टा पावर के अंदर में घुसने का। अब यहाँ पर देखना भैया एक बंदा फायर करेगा पर हम उसकी पेटी बना देंगे। बंदा थोड़ा कच्चा खिलाड़ी था इसलिए इसको खिला दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर उसकी पेटी लूट के मैं सीधा निकल जाता हूँ यहाँ पर मिल्टा पावर के अंदर में। भाई मेरे को लगता है यहाँ पर बिल्डिंग में फायरिंग हो रही थी पर नहीं भैया यहाँ पर अलग ही सीन चालू था, इसलिए मैं यहाँ पर पहले बिल्डिंग में कूदने का ट्राई करता हूँ। फिर भाई मुझे साइड में एक गाड़ी दिखती है, मुझे लगा गाड़ी के पास में होगा बंदा पर बंदा अलग ही छुपा हुआ रहता है, देख रहा हूँ उसको कैसे मारेंगे। इसकी पेटी बना देता हूँ मैं और जून आ रहा रहता है, तो यहाँ पर भैया मैं अपनी गाड़ी उठा के सीधा निकल जाता हूँ जून के लिए। भाई यहाँ पर जून आ रहा था तो मुझे लगा यहाँ पर हम लोगों को सही टाइम है कि हम लोग ब्रिज के अंदर है, वहाँ पर ब्रिज से जितने भी बंदे आएंगे हम उनको मारेंगे, तो चलते भैया सीधा ब्रिज पे। तो ओके गाइस यहाँ पर भी पहुंच चुका हूँ ब्रिज के अंदर, अब यहाँ पर मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वेट करता हूँ बंदों के आने का, पर मुझे नहीं लगता भाई एक भी बंदा आएगा। तो भैया सीन कुछ अभी ऐसा हो जाता है कि मेरी गड्डी का हो जाता है पेट्रोल खत्म, तो यहाँ पर मुझे सामने में बग्गी दिखती है, तो यहाँ पर मैं बग्गी के पास में जा रहता हूँ और बाजू में ये एयर ड्रॉप गिरा होता है, तो मेरा मन करता है एयर ड्रॉप लूटने का पर भैया कोई बंदा उसको पहले से ही लूट लेता है और भैया फिर आगे में हो जाती है गंदी फायरिंग और मैं भैया सीधा रश कर देता हूँ पूरी स्क्वाड पे और देखना भैया बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाते हैं। वो देखो भैया वहाँ पर किसी ने एयर ड्रॉप लूट लिया, तो मुझे यहाँ पर यकीन हो जाता है कि आस पास में ही बंदे हैं, तो मैं आगे निकलने लगता हूँ और यहाँ पर भैया मुझे फायरिंग सुनाई देती है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और चेक करने लगता हूँ कि यहाँ पर ड्रॉप के पास में तो कोई नहीं है, पर वहाँ पर एक भी बंदा नहीं रहता और सामने से फायरिंग होने स्टार्ट हो जाती है और फिर मैं सामने जाता हूँ और वहाँ पर भैया दो स्क्वाड की आपस में फाइट हो जाती है और हमें थर्ड पार्टी करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर भैया मैं बंदों को स्काउट कर रहा रहता हूँ और यहाँ पर भैया फिर देखना मेरा मारने का बहुत मन करता है पर भाई पूरी स्क्वाड यहाँ पर फिर मेरे ऊपर अंधा रश कर दी थी, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि कब बंदों की एचपी खत्म हो और मैं मारूं, पर भैया यहाँ पर मुझे पीछे से बैक फायर मिल जाता है और देखना भैया वो बॉट को कैसे मारूं। अब यहाँ पर भाई वो बॉट को मारना मेरी सबसे बड़ी गलती रहती है क्योंकि यहाँ पर भैया पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर अंधा रश कर देती है। देखो भैया मुझे यहाँ पर मालूम पड़ गया था कि गेम खत्म है, पर भैया यहाँ पर एक और चांस था कि मैं यहाँ पर बंदों को मार दूँ और यहाँ पर मैं सांप बन गया हूँ। वहां से एक बग्घी आती है, गाड़ी लेके कोई बंदा मेरे ऊपर चढ़ रहता है पर उतने में भैया उसका टीममेट आ जाता है और मेरी पिट्टी बना देता है। कोई बात नहीं भैया अगली बार हम लोग ढंग से खेलेंगे, बढ़िया खेलेंगे। तो बस यार आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी और नई वीडियो में, जान से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी और नई वीडियो में, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।